बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास टेंथ आर्ट्स जनरल मैथ और यूनिट आपका 3 है, लेकिन आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, 3.5 में हम किस किस्म के क्वेश्चंस करेंगे वो आपको एक रिव्यू दिखा देती हूँ बुक पर, के ताकि आपको पता चले कि इस पर कौन कैसे किस किस्म के क्वेश्चंस हैं। ये है आपकी 3.5 एक्सरसाइज, और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्रैक्शनल क्वेश्चंस हैं जिसे आपने प्लस और माइनस करना है। ठीक है, और एंड के क्वेश्चंस में आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाएगी, और इसे को देखकर आपको याद आ रहा होगा अपनी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो ये 1.1 से ही लिंक्ड है, लेकिन उससे थोड़े से इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 11 और 12। तो आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको यही क्वेश्चंस करवा रही हूँ बोर्ड पर भी। सबसे पहले आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन हुआ है, और वो है 1/a + 2/a + 1 और -3a + 2। आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं जिनमें से 2 प्लस हो रहे हैं और 1 माइनस हो रहे हैं। तो हमने एलसीएम लेना है, और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है तो उसका जो एलसीएम होता है वो वही वैल्यू होती है जो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो मैंने इन तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लिया है, तो a + 1 और a + 2 उसके एलसीएम के तौर पर आ गया। अब हम इसे सॉल्व करने लगे हैं, तो आप सबसे पहली फ्रैक्शन में है a, और a के हिसाब से देखें तो एलसीएम में आपका a और ये a कट जाएंगे, तो आपके पास 2 वैल्यू रह जाएंगी a + 1 और a + 2। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो ये एडिटिव लिखी गई a + 1 और a + 2। अब सेकंड फ्रैक्शन में देखिए तो यहाँ पे a + 1 है, तो a + 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा a और a + 2। ये a और a + 2 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि लिखा हुआ है, और 2a और a + 2। फिर अगर थर्ड फ्रैक्शन को देखें तो यहाँ पे a + 2 है, एज एलसीएम के साथ इसका कंपेरिजन करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा a और a + 1। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और -3a a + 1। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया। फिर आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो आप कोई चेंज नहीं लाएंगे, लेकिन आपने इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया a² हो गया। फिर आपने 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 को किया a से तो 2a, और 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2। यानी आपके पास ब्रैकेट में 4 वैल्यूज थी, तो उसको मल्टीप्लीकेशन के बाद भी 4 वैल्यूज आएंगे। ठीक, और यहाँ पर 2a को जब a से मल्टीप्लाई किया तो 2a² हो गया, 2a को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4a हो गया। इसी तरह -3a को मल्टीप्लाई किया तो -a² और -3a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3a². अब यहाँ पर गौर से देखें तो ये आपकी स्केयर की वैल्यू है, ये भी a² की वैल्यू है, और ये भी a² की वैल्यू, जबकि ये दोनों पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में लिख दिया 3a² और नेगेटिव वाले को भी 11 लिखा। और यहाँ पे a देखिए तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 हो गया, इसे भी प्लस किया तो ये 7a हो गया, जबकि ये वाला 3 माइनस हो रहा था तो मैंने इसे अभी साइड पे लिखा। और ये 1, 2 जिसके साथ कोई ना वैल्यू प्लस हो रही थी और ना कोई वैल्यू माइनस हो रही थी, ये आपका 3a² पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये 0 हो जाएंगे। और 7a में से 3a माइनस करेंगे तो 4a और 2 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ भी आ गया +2। अब आप ये देखें तो 4a और 2 में कॉमन 2 हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन किया तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2a + 1, और आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू वही जो एलसीएम था a + 1 और a + 2, और इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2a / x - 2a - x - a, और इसके डिनोमिनेटर में है x² - 5ax + 6a² और थर्ड ब्रैकेट में है आपके पास a और 2x - 3a। अभी ये जो दरमियान में मिड में जो फ्रैक्शन है वो उसमें 3 वैल्यूज है, इसकी मैं मिड टर्म फैक्टराइजेशन करूँगी ताकि एलसीएम करने से पहले हमें कुछ ना कुछ इसकी आसानी हो सके। तो फर्स्ट आपकी फ्रैक्शन एडिटिव लिखी हुई है, थर्ड भी एडिटिव लिखी हुई है, जबकि
जो आपकी मिडल में है सेकंड वाली, उसके डिनोमिनेटर में मैंने उसकी मिडटर्म फैक्टराइजेशन की है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो ऐसा नंबर जो दो और मल्टीप्लाई करें तो 6 और प्लस करें तो 5 आए, तो वो है 3 और 2। तो माइनस 3x और माइनस 2ax लिख दिया, इन्हें प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इन 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नेगेटिव साइन है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस 6 हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में फिर आपका फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज है, थर्ड फ्रैक्शन एज इट इज है, और आपकी जो मिडल वाली जो फ्रैक्शन है उसमें मैंने इन दो वैल्यूज में से x कॉमन लिखा, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3a, यहाँ से कॉमन लिया माइनस 2a, तो यहाँ पे भी आपके रह जाएगा x माइनस 3a, ठीक है। और आप अपनी देखें तो आपकी ब्रैकेट सेम हो गई, तो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 3a पहले लिख दिया और x माइनस 2a नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया, और ये तीन जो हमने स्टेप किए इसे अगर आप वैसे देखें तो ये वाला ब्रैकेट इस वाली डिनोमिनेटर से और ये वाली ब्रैकेट इस डिनोमिनेटर से मैच हो रही है, तो दैट मीन्स कि जब हम एलसीएम लिखेंगे तो आपके पास एलसीएम में अगर हम ये तीनों ले लेते तो ये वाली वैल्यू 2 times आनी थी और हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाना था। तो इसी मिड टर्म फैक्टराइजेशन करने से फ़ायदा हुआ कि आपकी ये जो फ्रैक्शन है ये आपकी ब्रैकेट सेम हो गई और ये वाली ब्रैकेट सेम हो गई, तो एलसीएम में आपकी ये x माइनस 3a और x माइनस 2a आपका एलसीएम फाइनल होगा। अब आपने आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो एलसीएम और इसकी कंपेरिजन करेंगे तो x माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा और तो x माइनस 3a इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा जो कि 2a ब्रैकेट x माइनस 3a, इन दोनों की जो जो है डिनोमिनेटर वो सेम बिल्कुल सेम है, तो डैट मीन्स कि इसके नॉमिनेटर जो कि x माइनस a है उससे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कटिंग के बाद 1 रह जाएगा, तो वही इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने 1 यहाँ पे मेंशन नहीं किया, एडिटिव लिख दिया। अब थर्ड डिनोमिनेटर देखें तो थर्ड का डिनोमिनेटर आपके x माइनस 2a कट हो जाएगा, तो x माइनस 2a रह जाएगा जो कि आपने इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 2x प्लस 2a। अब नेक्स्ट स्टेप में इनकी मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिया और मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और 2a मल्टीप्लाई हुआ x से तो 2ax हो गया, और 2 और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 6, और a मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर, यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था तो मैंने सिर्फ नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो x जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और माइनस और माइनस प्लस हो गया तो a आपका पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे आपका a 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2x हो गया और 2 to the 4 ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 2 थी, एक ये 2x और ये x, तो इन दोनों को ऊपर से साइन के भी डिफरेंस था, ये प्लस था ये माइनस था, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू और पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे फिर उसके बाद आप a की भी वैल्यू देखें, ये भी आपका a की भी 2 वैल्यू थी जबकि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो इसे भी हम माइनस करेंगे और क्योंकि 4 बड़ा है तो इसका साइन आएगा, तो यहाँ पर माइनस 3a हो गया और स्केयर की कोई वैल्यू नहीं थी तो माइनस 6 स्केयर लिख दिया, तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का वो है 2ax प्लस x और माइनस 3a माइनस 6 ए स्केयर, और डिनोमिनेटर आपका x माइनस 3a और x माइनस 2a का ब्रैकेट फैक्टर्स है, ठीक है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये यहाँ पे उसका मेंशन है 1 by x minus 1 plus 1 by x plus 1, फिर माइनस का साइन भी है और x प्लस 2 है और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और माइनस x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने डिनोमिनेटर को अगर वो से देखे, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को डिनोमिनेटर से सॉल्व करना होता है, तो आपका ये वाली वैल्यू आपकी इस वैल्यू के साथ और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ अगर आप इसे मैच करें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको किया हुआ है, x माइनस 1 है और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये यहाँ पर लिया मैंने इसका वाला, यानी ये वाली जो थर्ड आपकी फ्रैक्शन थी वो सेकंड पे लिख दी, नेगेटिव उसका साइन था नेगेटिव के साथ, जो सेकंड थी उसे मैंने थर्ड पे लिख दिया, और उसका जो नॉमिनेटर देखें तो x प्लस 1 है और x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन, आपको डिनोमिनेटर देखने से अगर तो समझ आ गई है तो बेहतर है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और अगर नहीं समझ आई तो आपको ये नेक्स्ट स्टेप में नज़र आएगा कि ये एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है ये क्यूब का फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? अगर आपको समझ आ गई थी और अगर आपने गैस कर लिया था तो दैट मीन्स कि आपके पास अलजेब्रा का और चैप्टर नंबर 2 का कमांड है, और अगर नहीं समझ आया तो चलिए अब वो कर लें। इसी तरह आप सेकंड वाले को भी देखें तो उसमें भी x प्लस वन है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये भी आपका क्यूब का फॉर्मूला है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये वाली ब्रैकेट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव क्यूब का फॉर्मूला है, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्यूब का फॉर्मूला है। और मैंने ये इसलिए लिखा था कि आपके नेक्स्ट स्टेप में ये नज़र भी आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय कि आप इसे मल्टीप्लाई करते हो फिर सॉल्व करते कट करते, मैंने डायरेक्ट इसको इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि है एक्स क्यूब माइनस वन यहाँ पर आ गया और एक्स क्यूब प्लस वन यहाँ पर आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला ना समझ आए ना भूल जाए तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और अगर आपको ये फॉर्मूला भूलेगा तो क्वेश्चन का स्टार्ट ही आपसे सही नहीं हो सकेगा, तो इसलिए बेहतर है कि आपको क्यूब के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आपका सेकंड स्टेप को देख लेते हैं, इन दोनों को मैंने एलसीएम के तौर पर मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ये वाली फ्रैक्शन इससे डिनोमिनेटर कट हो गया, तो ये वाला जो आपका सेकेंड ब्रैकेट है वो वन से जाके मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पर अगर इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम को देखेंगे तो ये वाली ब्रैकेट कट जाएगी तो x माइनस वन ये x प्लस टू के साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह आपके सेकंड पोर्शन में भी यही हुआ कि मैंने x प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इसमें और इसमें कटिंग होने की वजह से ये वाली ब्रैकेट ऊपर वन से मल्टीप्लाई हो गई है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आया है, और अगर आप इसका और एलसीएम का कंपेरिजन करेंगे तो ये वाली कट जाएगी और x प्लस वन रह गया जो कि x माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई किया है, ये एज इट इज़ आया क्योंकि इसके साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इन्हें मैंने मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स, जैसे कि जब इन्हें मल्टीप्लाई किया फिर इसको किया फिर वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको क्या किया है, टू एक्स में से वन एक्स को माइनस कर दिया तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव एक्स आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव का साइन था तो मैंने ये नेगेटिव को सब ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव हो गया, और जबकि ये जो टू नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। ये मैंने आपको पहले जो फर्स्ट फ्रैक्शन जा रही थी उसे एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड वाले को भी देख लो तो उसमें आपने x माइनस टू को x प्लस वन से मल्टीप्लाई किया तो x x से एक्स स्क्वायर, ये टू माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस टू एक्स, फिर आपने इस वन को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स, और माइनस टू और प्लस वन को मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू तो माइनस हुआ, लेकिन माइनस टू क्योंकि नेगेटिव था तो आंसर में ये x की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसके बाद भी आपके नेगेटिव का साइन थे तो इसने की वजह से आपके साइन चेंज हो गई, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपस में कट हो रही हैं वो भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी तो ये एक्स स्क्वायर था और ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर था, ये दोनों आपस में कट गए, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में थी और यहाँ पे नेगेटिव थे ये दोनों कट गए, और प्लस वन भी प्लस है और टू भी प्लस है तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे यानी ये कट नहीं हुए। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर था यहाँ पे भी और नेगेटिव एक्स स्क्वायर था ये दोनों आपस में कट गए, ये एक्स नेगेटिव था और ये वाला एक्स पॉजिटिव हुआ तो ये भी आपस में कट गए, तो यहाँ पे भी वन और थ्री रह गया और टू रह गया और दोनों के सेम साइन है तो ये आपस में कट नहीं हो गया या माइनस भी नहीं हो गया। अब यहाँ पर आके थ्री बाय एक्स क्यूब माइनस वन आना है और यहाँ पे भी आपके थ्री एक्स क्यूब प्लस वन आना है। ठीक है, और ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे वो थ्री आना था और आपके ये डिनोमिनेटर इन दो सिर्फ दो आपके पास फ्रैक्शन रह गई और इनकी अब हम आगे से सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो
इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम में आपकी एक्स क्यूब माइनस वन की वैल्यू कट गई और एक्स क्यूब प्लस वन इस थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह जब इसका कंपेरिजन करेंगे तो इस थ्री के साथ ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी एक्स क्यूब माइनस वन, और जब इनकी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री और यहाँ पर हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये कट जाएंगे, और ये वाले आपस में क्योंकि सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे। तो आपके पास इन दोनों को प्लस करने के बाद सिक्स एक्स क्यूब आपका आंसर हुआ, और यहाँ पे ये देखिएगा कि एक्स क्यूब माइनस वन और एक्स क्यूब प्लस वन है, यानी उनकी आपकी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। पहले आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने एक्स क्यूब और स्केयर लिख दिया और वन का स्केयर लिख दिया, और यहाँ पे पावर्स और पावर हो तो वापस पर मल्टीप्लाई हो जाती है एक्स की पावर सिक्स माइनस वन, और ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन लिखा हुआ है जो कि है ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और उसके डिनोमिनेटर में ए प्लस बी और दरमियान में प्लस का साइन है, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर और ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो वैल्यूज है आपकी वो क्यूब की फॉर्म वैल्यूज है। तो जब आपने इसका एलसीएम लिया, मैंने एलसीएम लिया इन दोनों वैल्यूज का ए प्लस बी ए माइनस बी, और जब आप एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में ए प्लस बी कट गया, ए माइनस बी इस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और जब इस वाली फ्रैक्शन को मैंने देखा तो ए माइनस बी कट गया और ए प्लस बी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो आप ये देखिए ए माइनस बी और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये आपका क्यूब का फॉर्मूला बना। लेकिन ये आगे a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला बना, और इसी तरह आपने जब इधर देखे तो a प्लस बी और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये आपके प्लस के क्यूब का फॉर्मूला बना। तो मैंने आप अगर ये फॉर्मूला नहीं तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे लेकिन उससे ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिख लेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और मैंने डिनोमिनेटर की जो वैल्यू थी वो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मैंने उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दिया। अभी आप इसकी ब्रैकेट्स खोल दी तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर रह जाएगी ए की वैल्यू जिसे आपने प्लस कर दिया और टू ए क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर सेवन का आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन है, वो थोड़ा लेंथी लिखा हुआ है, ए बाय ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए की पावर भी फोर है और माइनस बी की पावर भी फोर है, इसी तरह ए प्लस बी क्यूब है और माइनस ए प्लस बी और ए प्लस बी, ठीक है। और आपके यहाँ पर ए प्लस बी लिखा हुआ माइनस फोर ए बी और ए प्लस बी माइनस थ्री ए बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो ए प्लस बी और इनके फॉर्मूलाज, और यहाँ पे ए प्लस बी क्यूब है, यहाँ पे भी ए प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर है, तो ब्रैकेट्स को सबसे पहले ओपन किया, ए ए प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर जो ए माइनस टू ए बी इसका पहले लिखा था, और ये ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस ई, ये इसकी ब्रैकेट खोलने के बाद आया, और यहाँ पे मैंने ये जो पावर फोर थी तो मैंने इसे दो दो पावर्स में कन्वर्ट कर दिया, ए मतलब है टू टू में, यानी ए स्क्वायर फिर स्क्वायर बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, फिर इसी तरह यहाँ पे क्यूब था तो मैंने ए प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस ए बी, और ये माइनस ए बी थ्री ए बी प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी, ये जो था ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था, और यहाँ पे भी मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पे माइनस फोर ए बी ऊपर था और माइनस थ्री ए बी यहाँ पर नीचे था। यहाँ पे कुछ वैल्यूज कट रही हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये आपस में कटेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये आपस में कटेंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक वैल्यू बड़ी है तो इसमें से ये माइनस होंगे, तो यहाँ पे फोर बड़ा है तो टू माइनस होगा तो टू माइनस टू ए बी होगा, यहाँ पे थ्री बड़ा है और टू छोटा है लेकिन यहाँ पर माइनस ए बी आ गया, ये तो सॉल्व हो गया। और उसके बाद कटिंग कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी वैल्यूज अब नीचे वाले स्टेप में नहीं होगी।
और तो यहाँ पे a प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी कट गया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर वैल्यूज कर दिए थे नेगेटिव साइन था, तो एक दफ़ा पॉजिटिव में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक दफ़ा नेगेटिव में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे रह गया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये वाली फ्रैक्शन मैंने आपको पहले समझा दी थी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अभी यहाँ पे भी ये गौर से देखें तो ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक डिनोमिनेटर में और एक न्यूमिनेटर में, तो ये कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे रह गई ए की वैल्यू, वो मैंने लिख दी है। यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर था, यानी स्क्वायर के साइन था और नेगेटिव था, तो मैंने इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी में यानी उसको सेपरेट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, और यहाँ पर रह गया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर का साइन था तो मैंने इसे मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया, और ये वाली जो आपकी डिनोमिनेटर था वो ऊपर लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये वाली जो वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस दिए दोनों वैल्यू स्क्वायर की थी, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव थी, तो इसका मतलब है ये ए माइनस बी का स्क्वायर था। और यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी लिखा हुआ और ये ए माइनस बी, दैट मीन्स कि यहाँ पे दो हैं, तो इसमें से एक यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा अब ए स्क्वायर माइनस बी कट गया और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी जो दो थे उनमें से एक रह गया। अब आपको जो रिमेनिंग वैल्यूज है, यहाँ पे ए है, ए प्लस बी है और ए स्क्वायर माइनस ए बी, मैंने इस ए बी की वैल्यू जो थी उसे दरमियान में लिख दिया और प्लस ए स्क्वायर, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि ये क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, और डिनोमिनेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी था और ए माइनस बी भी रहता था। अभी इसका क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला बनता है तो मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे लिख दिया, साथ में ए था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक डिनोमिनेटर में भी है और ए माइनस बी, और तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आपके पास a और a माइनस बी आपका फाइनल आंसर होगा। और अब आपको नजर भी आ रहा होगा कि मैंने ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कट कर दिया और a माइनस बी आपका आंसर रह गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है ए स्क्वायर माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू, डिविडेंड का साइन है ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस सिक्स और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स, बस आपके ये फाइव के साइन का चेंज है, बाकी आपकी पॉलीनोमियल सेम है, मतलब है कि सिक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव है लेकिन बस आपका ये फाइव ए है और ये भी फाइव ए है लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के साथ। इसी तरह आपकी जो थर्ड रो पॉलीनोमियल है वो भी आपकी सेम इसी तरह है ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस थ्री और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो फोर ए प्लस थ्री और आपके पास तीन है। आप इसको फैक्टराइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का साइन है और नेगेटिव साइन है, तो इसे मैंने एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में किया और बाकी सब को इनके दोनों और इनके भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर मिड टर्म फैक्टराइजेशन के जरिए किया है। यहाँ पे टू है और यहाँ पे वन चाहिए तो मैंने माइनस टू में से प्लस ए माइनस किया तो ये माइनस ए हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट को तो माइनस टू। इसी तरह यहाँ पे थ्री लिया, जब पॉजिटिव साइन था तो थ्री और टू दोनों पॉजिटिव थे, प्लस किया तो फाइव हो गया और मल्टीप्लाई किया तो सिक्स किया, और जब यहाँ पे माइनस फाइव का साइन था तो माइनस थ्री और माइनस टू दोनों के दोनों नेगेटिव थे और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्स हो जाएगा, और क्योंकि सेम साइन की वजह से ये माइनस फाइव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन सेम ही होगी, यहाँ पे क्योंकि थ्री की वैल्यू है तो थ्री और वन लेंगे और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन है तो माइनस थ्री भी माइनस है और ये ए भी माइनस है, और यहाँ पे फोर का साइन पॉजिटिव है तो थ्री ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो वही था कि ए माइनस बी और ए प्लस बी वैसे था, यहाँ से अब हमने कॉमन लेना शुरू किया, ए कॉमन लिया ए माइनस टू रह गया, आगे ये वैल्यू वैसे में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस वन कॉमन लिया तो ए माइनस टू, यहाँ से दोनों वैल्यू से ए कॉमन होगा ए प्लस थ्री, यहाँ से टू कॉमन होगा ए प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर में भी आगे ए होगा लेकिन ब्रैकेट आके ए माइनस थ्री हो जाएगी, और यहाँ पर टू माइनस लेंगे माइनस टू कॉमन लेंगे तो आपका ए माइनस थ्री यानी आपकी ब्रैकेट सेम हो जाएगी,
इस तरह यहाँ पे भी a कॉमन होगा a माइनस थ्री, और यहाँ से क्योंकि इसके और इसके साइन में चेंजिंग है तो माइनस वन लेंगे तो आपकी जो ब्रैकेट के साइन है वो सेम हो जाएंगे, a माइनस थ्री हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके a है, a प्लस थ्री ले लिया और ये आपका सेम टू सेम था, वन प्लस वन ले लिया a प्लस थ्री, यहाँ पे आपकी ब्रैकेट सेम हो गई और तो a माइनस वन और a प्लस वन तो वैसे ही लिखा, a माइनस टू आपको कॉमन हुआ तो a प्लस वन यहाँ पे लिखा, a प्लस थ्री कॉमन हुआ a प्लस थ्री लिख लिया और मेनिंग में आ गया a प्लस टू, ये सेकंड ब्रैकेट में, यहाँ पे a माइनस थ्री कॉमन था तो सेकंड ब्रैकेट में a माइनस टू हो गया, फिर यहाँ पे भी a माइनस थ्री कॉमन हुआ और ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में a माइनस वन आया, यहाँ पे भी a प्लस थ्री कॉमन हुआ और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस थ्री हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे a प्लस वन और a प्लस वन दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में थे तो मैंने इनकी कैंसिलेशन यहाँ पे कर दी, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिवीजन है इसको साइन को रिमूव करके मल्टीप्लीकेशन में किया हुआ है और मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ गए हुए, तो यहाँ पर रह गया आपके पास a प्लस माइनस वन और a माइनस टू, और ये वाली आपकी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई के साइन की वजह से ऊपर आ गई, a माइनस थ्री a माइनस टू ऊपर आ गया और a प्लस थ्री और a प्लस टू डिनोमिनेटर बन गया। इधर भी डिवीजन का साइन था तो इसमें भी डिनोमिनेटर ऊपर आ गया है, a प्लस थ्री और a प्लस वन ऊपर है, जबकि डिनोमिनेटर में आ गए आपके पास a माइनस थ्री और a माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए a माइनस वन यहाँ पे भी है और न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये कट जाएगा, a माइनस थ्री आपके न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में है ये भी कट जाएगा, और a माइनस वन a माइनस टू आपके न्यूमिनेटर में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये भी कट जाएगा, a प्लस थ्री आपके पास न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कट जाएगा। तो अभी मैं आपको क्या क्या कट रहा है आपको अभी कट करके दिखा देती हूँ। ये जो मैंने ब्रैकेट्स बोली थी कि आपस में कट रही है तो ये देखिए कि a प्लस वन और a प्लस टू आपके और किसी से कट भी हुए तो वही रिमेनिंग में रह गए, न्यूमिनेटर में आपके a प्लस वन और डिनोमिनेटर में a प्लस टू है और ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। और इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो 3.5 मुकम्मल हुई और मैंने इसमें से आपको जो जो से क्वेश्चंस करवाए हैं आपने इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी हो और इन्हीं का आपने अपने उसमें प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस अब आपके बोर्ड पे मैचर होंगे आपने उन्हीं क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस में करना और उनकी ही रिवीजन भी करनी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।